नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के भागन बिघा थाना क्षेत्र इलाके के मोरा तालाब के पास NH-20 यात्रियों से भरी जो की बिहार शरीफ से बख्तियारपुर की ओर जा रही थी, उसमें अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे इस बस के दूसरे साइड पर बैठे दो यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें आनंद फानन में ग्रामीणों के द्वारा मोटरसाइकिल पर लादकर निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि टक्कर हल्की थी, जिसके कारण बस के अंदर खचाखच भरे यात्री बाल बाल बच गए। वहीं बस के किनारे का पूरा शीशा टक्कर के बाद पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और सड़क पर गिर गया। घटना के बाद ट्रक चालक भागने में सफल रहा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भागन बिघा पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला और फिर सभी को सुरक्षित स्थान पर रखकर सभी को बारी बारी से चेक कर अपने गंतव्य स्थान पर भेज दिया। दोनों घायलों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गाड़ी में बैठे हुए तो अपना रफ्तार में जैसे चल रहा था, ठीक है, उधर तो ट्रक आई बहुत स्पीड में, एक एक मारी साइड से एकदम झारले चल गई, ठीक है, पूरा झारले निकल गई एकदम। फिर उसके बाद एक लड़का स्टूडेंट था, बिहार पुलिस का एग्जाम दे के आ रहा था, उसका जब पूरा फेस में चोट लग गया, गश्ती से वो गिर गया, उसका गंभीर तो सिर्फ एक ही लड़का हुआ, वो भी स्टूडेंट था। कहाँ से बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, मेरा परवीन कुमार हुआ।